अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर बॉय मोहम्मद उमर एंड यू आर वाचिंग नबी रिएक्शंस। उम्मीद है यार बांग्लादेश के तमाम सिंगल मिंगल लोग ठीक होंगे। तो यार कैसे हो तुम सब? आज हम एक जबरदस्ती बांग्लादेश की फोर्स पर वीडियो देखने जा रहे हैं, बांग्लादेश की आर्मी पर वीडियो देखने जा रहे हैं। तो आज की एक जबरदस्ती वीडियो है और आज का कंपैरिजन है बांग्लादेश एयरफोर्स वर्सेज पाकिस्तान एयरफोर्स। ऑल दो पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है क्योंकि रिसेंटली उन्होंने इंडियन का जहाज गिराया। तो 1965 में पाकिस्तान ने जैसे वो वार जीती थी उसमें बांग्लादेश का भी कलीदी किरदार था और जो आई थिंक जो मेन हीरो थे 1965 के उनका ताल्लुक बांग्लादेश से था। नाम मैं मिस कर रहा हूँ, मैंने उनकी बहुत पहले नाम सुना था और मैं शॉक हुआ था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को फतह दिलाई थी। तो थैंक्स टू बांग्लादेश के वो एक आइकॉनिक रोल प्ले किया था। तो देखते हैं बांग्लादेश एयरफोर्स वर्सेस पाकिस्तान एयरफोर्स कंपैरिजन। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर देना ताकि इस तरह के अमेजिंग अमेजिंग रिएक्शंस आप सबसे पहले देख सकें। 3, 2, 1, हियर वी गो। मिस्टर कामरान को सब्सक्राइब कर लो भाई। बांग्लादेश में एयरफोर्स का ऑफिशियल नेम बांग्लादेश एयरफोर्स है। ओके। और बंगला में बांग्लादेश विमान वाहिनी है। बांग्लादेश एयरफोर्स की फाउंडेड बांग्लादेश विमान 1971 है। पाकिस्तान में एयरफोर्स का ऑफिशियल नेम पाकिस्तान एयरफोर्स है और उर्दू में पाक फिजाइया है। पाकिस्तान एयरफोर्स की फाउंडेड डेट 14 अगस्त 1947 है। बांग्लादेश एयरफोर्स में 17,000 एक्टिव एयरफोर्स पर्सनल हैं, 3,000 रिजर्व पर्सनल हैं। ओके। और बांग्लादेश एयरफोर्स के 230 टोटल एयरक्राफ्ट हैं। लेट्स सी कि पाकिस्तान के पास कितने 71,000 एक्टिव एयरफोर्स पर्सनल हैं, 8,000 रिजर्व पर्सनल हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स में 1,364 टोटल एयरक्राफ्ट हैं। ओके। बांग्लादेश एयरफोर्स का मोटो फ्री शैल वी कीप द स्काई ऑफ बांग्लादेश है। एयरफोर्स डे स्लोगन अच्छा है और हेडक्वार्टर ढाका कंटोनमेंट है। पाकिस्तान एयरफोर्स का मोटो अ सिंबल ऑफ प्राइड फॉर द नेशन है। एयरफोर्स डे दोनों के अच्छे हैं है। और हेडक्वार्टर एयर हेडक्वार्टर एएचक्यू इस्लामाबाद 7 सितंबर है और 28 बांग्लादेश एयरफोर्स के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ मसीहुज़्ज़मान सरनियाबाद है। पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ऑफ द एयर स्टाफ मुजाहिद अनवर खान है। बांग्लादेश एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट में MiG-29 ओके F-7 और Yak-130 है। ये चाइनीज है। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट में F-16 JF-17 डिसॉल मिराज 3 डिसॉल मिराज 5 और Chengdu F-7 है। ओके। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो तो यार अगर इस वीडियो के रिव्यू की बात करें तो वीडियो का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि बांग्लादेश में एयरफोर्स थोड़ी मतलब तादाद के लिहाज से कम है क्योंकि बांग्लादेश में पानी का मतलब वो वाटर बॉडी काफ़ी ज़्यादा है, उसको जो सराउंडिंग है वो वाटर बॉडीज़ ने घेरा हुआ है। तो इस वजह से बांग्लादेश में जो अब आप नेवी पर वीडियो देखेंगे, नेवी का कंपैरिजन पाकिस्तानी नेवी से करेंगे तो बांग्लादेश काफ़ी अहेड होगा क्योंकि वहाँ उनके तादाद भी ज़्यादा है, शिपमेंट्स भी ज़्यादा, क्योंकि उनका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है अगर कोई बांग्लादेश पे हमला करता है तो दो सूरतें हैं, एक या फिर वो एयरफोर्स से आएगा या फिर वो एक नेवी के ज़रिए आएगा क्योंकि बांग्लादेश को सराउंड किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा पानी की वजह से। तो बांग्लादेश का जो ज़्यादा फोकस है वो ज़्यादा नेवी पर है या फिर उसकी जो ग्राउंड आर्मी, क्योंकि वो मेन आर्मी होती है तो वो उस पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश ने हीरोज़ नहीं पैदा किए हुए। मैंने आपको बताया ना कि 1965 में जो पाकिस्तान को फतह दिलाई थी उनका ताल्लुक बांग्लादेश से था, वो हमारे हीरोज़ हैं क्योंकि यार मतलब वो उन्होंने वो कारनामा अंजाम ना दिया हुआ था तो आज हम आज़ादी से ना बैठे होते। तो बाकी बात करें एयरक्राफ्ट से तो बांग्लादेश में मौजूदा हालात में अभी थोड़े कम एयरक्राफ्ट्स हैं और लेस एडवांस्ड एयरक्राफ्ट्स हैं। तो जो वीडियो में एयरक्राफ्ट दिखाए हैं वो पाकिस्तान के एडवांस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू बांग्लादेश। MiG-29 काफ़ी ना मतलब पीछे एज़ कम्पेयर टू जो JF-17 थर्ड या F-16 से। तो रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ भी सुनी थी क्योंकि मेरे ख्याल से MiG-29 वही जहाज़ है जिसको पाकिस्तान ने लास्ट ईयर 2 साल पहले गिराया था, जो अभिनंदन वाला था वो MiG-29 पे ही आया था। JF-17 थंडर ने उसको गिरा दिया था। तो ये MiG-29 लेस एडवांस है एज कम्पेयर टू JF-17 थंडर। तो लेकिन ये मैं भी जानता हूँ कि बांग्लादेश ने एक डील चल रही है रफाल की, रफाल या फिर JF-17 थंडर लेने की। तो ये डील चल रही है, आई होप के पता ही अब उस डील का क्या बना हुआ है। तो बांग्लादेश परचेज करने जा रही थी रफाल्स, लेकिन उसके बाद वो फ्रांस वाला वाकया होगा जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी
तो उसकी वजह से शायद उन्होंने डील तोड़ दी थी, जे F-17 थंडर की तरफ जा रहे थे या F-16 की तरफ जा रहे थे, इस तरह का एक कश्मकश चल रही थी। बांग्लादेशी गवर्नमेंट और फ्रांस और ये चाइना, तो पाकिस्तान ने भी ऑफ़र की थी उस टाइम के हम आप हाँ पाकिस्तानी वर्जन जे F-17 थंडर ले ले, तो बांग्लादेश वालों ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा अगर हम लेंगे तो चाइनीज़ वाला लेंगे क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा अपग्रेड है, या फिर अगर हम लेंगे तो F-16 हमारे अमेरिका से भी काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं, तो अगर उनकी तरफ भी देखा जा सकता है। तो ये डील चल रही थी उस टाइम, आई डोंट नो कि अब उस डील का क्या बना हुआ है, लेकिन अगर आपके पास कोई अपडेट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाइड कर सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू। तो आई होप कि 2021 में बांग्लादेश को वो जो जेट्स थे, एयरक्राफ्ट थे, वो मिल जाएंगे, तो बांग्लादेश काफ़ी पुरसकून और एक अच्छे जहाज़। अगर बांग्लादेश रफाल ले लेता है ना, तो पाकिस्तान के ना जितने भी जहाज़ हैं उसके पास फीके हैं, क्योंकि उसका जो टारगेट सराउंडिंग एयर है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जिसको डेफिनेटली हिट करता है टारगेट वो काफ़ी ज़्यादा है, जो जैसे कहते हैं 100% कन्फर्म रेट होता है ना, जो टारगेट जो उसके जोन में आ जाएगा उसका वो जो डेंजर जोन है ना वो काफ़ी बड़ा, एज़ कम्पेयर टू अगर हम JF-17 थंडर की बात करते हैं। अगर हम JF-17 थंडर 2021 वर्जन लेते हैं तो वो उसको बैलेंस कर देता है। आई डोंट नो कि अब बांग्लादेश क्या करता है, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये था ये हमारा रिएक्शन, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक, मेंट शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।